ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इकोसिस्टम इन उत्तर प्रदेश, जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ था। उसमें जो भी लर्निंग्स थी हमारी, क्योंकि हमने 8 न्यूट्रिशन इंटेंसिव और वीमेन इंक्लूसिव बिजनेस मॉडल्स, एग्री बिजनेस मॉडल डेवलप किए, उसमें जो भी हमारी लर्निंग्स थी, जो इम्पैक्ट्स थे, वो हमको शेयर होल्डर के बीच में शेयर करना था। वो शेयर होल्डर जो कि एकेडमी से हो, एक्सटेंशन से, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एनजीओस, प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट, इनके साथ शेयर करके ये जो मॉडल्स हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, न्यूट्रिशन का एंगल भी है, तो किस तरह से इसको स्केल अप करें ओरिसा में, इसी उद्देश्य से ये वर्कशॉप हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। और क्योंकि हम देखते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर का बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिशन और वीमेन एम्पावरमेंट में, तो उसको देखते हुए हमने ये वर्कशॉप यहाँ पे रखा। और कई ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जिनके बीच में हमने अपने मॉडल्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी और किस तरह से हमने बिहेवियरल चेंज स्टेक होल्डर के बीच में, फार्मर्स के बीच में, FPOs के बीच में लेके आए, और आगे किस तरह से हम एक टूल किट डेवलप करें जो कि इस डिस्कशन के बेसिस पे, जो पैनल डिस्कशन है उसके बेसिस पे कैसे एक टूल डेवलप करें, टूल किट डेवलप करें, और वो शेयर होल्डर से हम शेयर करें ताकि वो गाइड करें उनको इस मॉडल्स को स्केल अप करने में ओरिसा में। थैंक यू। वेरी गुड। मैं ऐसा बोलूँगी कि एक जो उद्देश्य था हमारा वो सफल हुआ है, क्योंकि किसान महिलाएं, किसान पुरुष और साथ में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर यहाँ पे आए हैं, जो इंटरेक्शन सेशंस हो रहा है, कई प्रश्न उनके मन में है जो पूछ रहे हैं और उसके आंसर जो है वो मिल रहे हैं उनको, तो मुझे लगता है जिस तरह से वो इंटरेक्शन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि सबको इंटरेस्ट आ रहा है और वो चाहते हैं कि उसको आगे लेके जाए। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।